मेरा आप लोगों से जो ये संवाद है पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और आज मैं आप लोगों से दान की, देने के मनोविज्ञान के ऊपर छोटी सी बात करना चाहता हूं। मनोविज्ञानिकों ने अपने शोधों से ये बात सिद्ध कर दी है कि जो लोग देने में विश्वास रखते हैं खुशी का उनके साथ गहरा संबंध होता है। जो लोग खुश रहते हैं उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में खास गुण होता है कि वो लोगों को देने में विश्वास रखते हैं, और जो लोग दान देते हैं वो आम लोगों से ज्यादा खुश होते हैं। मनोविज्ञानिकों ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, आप सब लोगों को बड़ी अच्छी लगने वाली है, कि खुशियां भी दो तरह की होती हैं। एक खुशी वो होती है जब हम कार लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है, मकान बनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन दोस्तों ये जो खुशी होती है बड़ी संक्षिप्त खुशी होती है, इसलिए हम इसको डेफिसिट हैप्पीनेस बोलते हैं। यानी कि ये आपको लगातार ना मिलती रहे तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। आज आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गए तो आप खुश हो गए, अगली बार उतना ही खुश होने के लिए आपको 5 लाख से ज्यादा पैसे चाहिए, क्योंकि ये शराब के नशे की तरह नशा होता है। और जब आपको पैसा मिल भी जाता है या कोई चीज आपकी मनचाही मिल भी जाती है, और जब आपके आमने सामने किसी और व्यक्ति को उससे ज्यादा मिल जाता है, तो आपकी खुशी जो है वो धुल जाती है और आप लोगों की खुशी खुशी नहीं रहती है। इसलिए इसका नाम डेफिसिट हैप्पीनेस है। और दूसरी तरफ एक महान खुशी होती है। महान खुशी वो होती है जब आप किसी के लिए काम करते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं और किसी की हेल्प करते हैं, तब जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी बीइंग हैप्पीनेस होती है, वो खुशी होती है। यहां एक चीज आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब आप अपने बच्चों के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने लिए कुछ करते हैं, वो खुशी लगातार आपको चाहिए होती है और वो खत्म होती रहती है और नई लेने के लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ती है। लेकिन जब आप समाज सेवा करते हैं, दान करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तब वो खुशी आपके अकाउंट के अंदर ऐड होती रहती है और हमारी हैप्पीनेस की बेस लाइन जो है वो ऊंची उठती जाती है। और सबसे दिलचस्प बात मैं आपको एक और भी बताना चाहता हूं। दान का मनोविज्ञान के अंदर ये बात साफ शोधों के द्वारा पता चल चुकी है कि जो कुछ आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, जो कुछ आप अपने संतानों के लिए कर रहे हो, जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आपको यह सुनने को जरूर मिल जाएगा कि आपने हमारे लिए किए क्या है। और तो और अगर ये सुनने को नहीं मिलेगा तो कम से कम बेटी बेटे में, बहन भाई में ये कंपटीशन जरूर रहेगा कि पापा ने, मम्मी ने उसे ज्यादा दे दिया और मुझे कम दे दिया। ये संकट हर किसी को भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप समाज के लिए कुछ करते हो, जब आप दुनिया के लिए कुछ करते हो, जब आप दान करते हो, तो वो सब कुछ अनकंडीशनल होता है, वो आपके अकाउंट में ऐड होता जाता है। जब आप दूसरों के लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करोगे तो वो आपकी ड्यूटी है, लेकिन जब आप दूसरों के बच्चों के लिए करते हैं, दूसरी दुनिया के लिए करते हो, तब वो आपका बड़ापन होता है और आपकी महानता होती है। और एक बात और ध्यान से रखिएगा, वो ध्यान देने वाली बात है, ये बात को समझिएगा कि जब आप सिर्फ अपनों के लिए कुछ करते हो तो आपके मरने के बाद आपकी फोटो सिर्फ उसी घर में होती है जहां आपके मालिक रहे होते हैं कभी आप। और अगर किसी वास्तु वाले के एक्सपर्ट की हाथ लग जाए तो वास्तु वाले कहते हैं मरे हुए लोगों की फोटो बेडरूम या ड्राइंग रूम में नहीं होनी चाहिए, स्टोर में होनी चाहिए, आपकी फोटो वहां भी पीछे पीछे पहुंच जाएगी। लेकिन जब आप दुनिया के लिए काम करते हो तो आपकी फोटो दूसरों के घरों में लगी होती है, वो भी ड्राइंग रूम्स में लगी होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा नहीं, जिनके पास अपार धन दौलत आ जाती है उसके बाद उनको एहसास होता है कि यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मजा आने के लिए, अंदर से मजा आने के लिए जो खुशी चाहिए होती है वो ये अपनी कारों पे, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, मोबाइल्स पे खर्च करने पे नहीं आती है।
और ये माना जा चुका है कि जब तक आप लोगों के लिए नहीं करते हैं आपको स्थाई खुशी कभी नहीं मिल सकती है। मित्रों, खुश रहने का बहुत आसान फार्मूला है, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की सहायता करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप खुश होते हो तब आप हल्के फुल्के होते हो। आप खुश होते हो उस दिन आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का है, उस दिन आप हवा में उड़ते हुए चलते हुए प्रतीत होते हो। और जब आप अभिमान में और गुस्से में और जेलसी में घूम रहे होते हो तब आपके पांव, आपको लगता है जैसे पांव के नीचे किसी ने वेट बांधा हुआ है। हल्के होइएगा, खुश रहिएगा, दान कीजिएगा। चाहे अगर आप अपना नाम जिंदगी में लोगों के दिलों में रखना चाहते हैं, अच्छा बनिएगा, खुशी को बिखेरिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।